छात्रगण, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। छात्रगण, आज महात्मा गांधी से जुड़े हुए विविध पहलू, महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान के तहत विगत कक्षाओं में हम लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्रूरतम घटनाओं से हम लोग परिचित हुए थे और इस घटना के विरोध में जो है किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में जो है लोगों ने आंदोलन किया था। छतगण, अंग्रेजों ने महज खानापूर्ति के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में महज उस पर पर्दा डालने के लिए एक आयोग का गठन किया था जिसका नाम था हंटर आयोग। छतगण, आपके नोट्स कॉपी में हेडिंग बनेंगे हंटर आयोग, लाल कलम या हरा कलम से छतगण हेडिंग बनेगा हंटर आयोग। हाँ, लिखेगा छतगण, तीर का निशान। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। हंटर आयोग को इनवाइट कमांडर लाइन में रखिएगा छात्रगण, लाल कलम से। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, हंटर आयोग में 8 सदस्य थे। जिनमें 3 भारतीय थे। हो गया कंप्लीट छात्रगण, वेरी गुड। नेक्स्ट, तीर्थंशन, इन तीन भारतीय सदस्यों के नाम निम्न थे। पहला नाम लिखेंगे छात्रगण, जगत नारायण। दूसरा नाम लिखेंगे छात्रगण, चिमन भाई सीतलवार। तीनों नाम आपने लिख लिया छात्रगण, जगत नारायण, सुल्तान अहमद, चिमन भाई सीतलवार, है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, तीर्थंशन, हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माइकल ओ डायर एवं जनरल आर डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। नेक्स्ट, तीर का निशान, हंटर आयोग की गलत रिपोर्ट के कारण भारतीयों ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तीन सदस्यों से युक्त आयोग बनाया था। तीन सदस्यों से युक्त आयोग
बनाया था, आयोग बनाया था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। हो गया कंप्लीट छात्रगण? हाँ, अब समझेंगे छात्रगण क्या है यह टॉपिक, क्या है हंटर आयोग। छात्रगण पूछेगा सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? क्या जवाब देंगे आप? हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1919 में किया गया था। हंटर आयोग का गठन किस घटना की जांच के लिए किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था हंटर आयोग का गठन। ध्यान देंगे छात्रगण, पहले निगाहें आपकी होनी चाहिए, एक एक चीजों को गौर करें, एक एक चीजों को याद रखें। छात्रगण अगला सवाल आपसे पूछेगा, हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? ऑप्शन में देगा 5, दूसरा ऑप्शन देगा 6, तीसरा ऑप्शन देगा 7, चौथा ऑप्शन देगा 8। क्या लगाइएगा छात्रगण, क्या होगा आपका जवाब? 8 सदस्य थे। हंटर आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी छात्रगण? 8 थी। इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी आपको मनन करना होगा, इसे भी छात्रगण आपको याद रखना होगा। छात्रगण पूछेगा हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो 3 भारतीय सदस्य थे छात्रगण, 5 अंग्रेज सदस्य थे, 3 भारतीय सदस्य थे। छात्रगण पूछेगा हंटर आयोग में 8 सदस्य थे जिनमें 3 भारतीय थे, कौन सा भारतीय सदस्य इनमें शामिल नहीं था? ऑप्शन में देगा जगत नारायण, दूसरा ऑप्शन देगा सुल्तान अहमद, तीसरा ऑप्शन देगा महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन देगा चिमन भाई सीतलवाल। क्या लगाइएगा? क्या इस लिस्ट में देखिए तो छात्रगण कहीं महात्मा गांधी है नजर आते हैं आपको? देख लीजिए, जगत नारायण तो है, सुल्तान अहमद भी है, चिमन भाई सीतलवाल का भी मैंने नाम लिया वो भी है, लेकिन क्या महात्मा गांधी है? तो ये नहीं है छात्रगण, तो आपको याद रखना होगा महात्मा गांधी इसमें नहीं थे। इस पर भी आपको पहले निगाह रखनी होगी, इसको भी ध्यान रखना होगा, इसको भी ध्यान केंद्रित करना होगा, और एक एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों का अध्ययन करना होगा। छात्रगण हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या किया? ऑप्शन में देगा जनरल आर डायर एवं माइकल ओ डायर को दोषी घोषित किया, नंबर 2 देगा जनरल आर डायर और माइकल ओ डायर को निर्दोष घोषित किया, नंबर 3 देगा जनरल आर डायर और माइकल ओ डायर पर कोई निर्णय नहीं लिया, नंबर 4 देगा इनमें से कोई नहीं। छात्रगण आप क्या लगाइएगा? जनरल आर डायर और माइकल ओ डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। सोच लीजिए, है ना, कितनी बड़ी बात है ये, है ना, गलती के बाद चोरी, ऊपर से सीना चोरी, है ना। गलती भी की ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन इस गलती के लिए जिम्मेदार जो 2 अंग्रेज अधिकारी थे जनरल आर डायर और माइकल ओ डायर, उन्हें इस गलती का जिम्मेदार भी नहीं माना। तो छात्रगण आप सोच सकते हैं कि यह कितनी बड़ी गलती है, यह कितना बड़ा अपने आप में एक दुखद घटना है। छात्रगण जनरल आर डायर और माइकल ओ डायर को निर्दोष घोषित किए जाने से पूरे भारतवासी उग्र हो गए और भारतीयों ने महामना के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था छात्रगण, और यह आयोग 3 सदस्यों से युक्त था। छात्रगण पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने माइकल ओ डायर और जनरल आर डायर दोनों को समान रूप से दोषी माना था। छात्रगण इस आयोग में दोनों को समान रूप से दोषी माना गया था छात्रगण, लेकिन अफसोसजनक रूप से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और उनके साथ जो 3 सदस्य थे, उस आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने छात्रगण अस्वीकार कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। पूछेगा हंटर आयोग की रिपोर्ट के विरोध में भारतीयों ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था? ऑप्शन में देगा महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन में देगा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन में देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन में देगा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या लगाएंगे छात्रगण? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, है ना, याद रखिएगा छात्रगण। पूछेगा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन मिलेगा, एक सदस्य, दो सदस्य, तीन सदस्य, चार सदस्य। तो आप क्या जवाब देंगे छात्रगण? चार सदस्य नहीं, तीन सदस्य थे, ध्यान रखिएगा, है ना। चार नहीं बताना है, अपने से किसी ने कहा चार, गलत हो जाएगा। कितने सदस्य थे छात्रगण? तीन सदस्य थे, थ्री मेंबर्स वेर इंक्लूडेड अ कमिटी विच वॉज फॉर्म बाई द इंडियंस एंड मदन मोहन मालवीय वॉज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी। ध्यान रखेंगे छात्रगण, यह भी अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छात्रगण, हंटर आयोग और उससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपकी पैनी निगाहें मैं चाहता हूँ। एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को याद रखें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को स्मरण करें। प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, आपको उस पर पैनी निगाहें रखनी होगी, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, आपको उस पर मनन केंद्रित करना होगा, और आपको एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों पर ध्यान देना होगा। छात्रगण गौर करेंगे, है ना। तो छात्रगण ये है हंटर आयोग, उससे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण पहलू याद रखेंगे। छात्रगण, हंटर आयोग में कितने सदस्य थे बताइए? आठ, है ना। कितने भारतीय सदस्य थे? तीन, है ना। हंटर आयोग में जो आठ सदस्य थे उनमें तीन भारतीय सदस्य थे, उन तीनों के क्या का नाम थे? तो जगत नारायण, सुल्तान अहमद, चिमन भाई सितलवाव। हंटर आयोग का गठन कब किया गया? 1919 में। हंटर आयोग का गठन किसकी जांच के लिए, किस घटना की जांच के लिए किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था हंटर आयोग का गठन। तो ये सारे चीजों को छात्रगण आपको ध्यान रखना है, ये सारे चीजों को आपको मनन करना है, ये सारे चीजों को आपको स्मरण में लाना है। इसलिए इससे जुड़े हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर पैनी निगाहें रखेंगे छात्रगण, और एक एक चीजों को ध्यान देंगे, एक एक चीजों को मनन करेंगे, है ना। तो छात्रगण, हंटर आयोग के पश्चात हम लोग जानेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छात्रगण, जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। टॉपिक की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं छात्रगण, 1919 से 1920 तक यह आंदोलन चला था। छात्रगण, खिलाफत आंदोलन को आपको हेडिंग बनाना है अपने नोट्स कॉपी में, और बैकग्राउंड में लिखना है 1919 से 1920, है ना। कार्यकाल भी पूछता है छात्रगण, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा। लिखेगा तीर का निशान देके, लाल कलम या हरा कलम छात्रगण, हाँ लिखिए। मुसलमानों के सर्वोच्च धर्म गुरु को, मुसलमानों के सर्वोच्च धर्म गुरु को खलीफा कहते थे। मुसलमानों के सर्वोच्च धर्म गुरु को खलीफा कहते थे। नेक्स्ट, तीर का निशान। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी कि, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों की इस घोषणा से विश्व के समस्त मुस्लिम आक्रोशित हो गए। कंप्लीट हो गया छात्रगण, वेरी गुड। नेक्स्ट, तीर का निशान। भारत के मुसलमानों ने भी 1919 में दिल्ली में, भारत के मुसलमानों ने भी 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमिटी का गठन किया तथा इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया, इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। नेक्स्ट, तीर का निशान।
इस अवसर पर महात्मा गांधी ने एक प्रसिद्ध कथन कहा था, इन्वाइट कॉम में, आने वाले 100 वर्षों में भी, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद एक प्रसिद्ध कथन कहा था, आने वाले 100 वर्षों में भी हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच ऐसी शानदार एकता स्थापित करने का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, तीर का निशान, छतगन लिखे। प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद, नाम सुना होगा आपने, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने 2 समाचार पत्रों अल हिलाल, एवं नंबर 2 देकर लिखेंगे छतगन, अल बिलाग, अल हिलाल, अल बिलाग के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। कंप्लीट छतगन, वेरी गुड। नेक्स्ट, तीर का निशान, खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं को हम अंडरलाइन में रखेंगे छतगन, अली बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, अली बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, अली बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट, अली बंधुओं में निम्न शामिल थे, नंबर 1 शौकत अली, नंबर 2 मोहम्मद अली, है ना छतगन। अली बंधुओं में 2 शामिल थे, शौकत अली और दूसरा मोहम्मद अली। नेक्स्ट, तीर का निशान, प्रसिद्ध हिंदुवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद में इस आंदोलन के समर्थन में मुस्लिम भाइयों को संबोधित किया था। नेक्स्ट, तीर का निशान, प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता हकीम अजमल खां ने भी खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई थी। हकीम अजमल खान ने भी खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, 31 अगस्त 1920 को संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। मनाया गया। नेक्स्ट, तीर का निशान। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने में बेहद सफल रहा था। छात्रगण, यही है खिलाफत आंदोलन और उससे जुड़े हुए विविध तथ्य जिसको आपको जानना है, समझना है और एक एक चीजों को गौर करना है। पहले तो आप इसे समझे छात्रगण कि ये टॉपिक है क्या। छात्रगण, मुसलमानों के सर्वोच्च धर्म गुरु को खलीफा कहा जाता था, है ना? पूछेगा, मुसलमानों के सर्वोच्च धर्म गुरु को क्या कहते थे छात्रगण? खलीफा कहते थे छात्रगण। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा, है ना छात्रगण? इससे पूरे विश्व के मुसलमान आक्रोशित हो गए कि आखिर हमारे धार्मिक जो है संवेदनाओं पर प्रहार क्यों, हमारे धर्म गुरु के पद को समाप्त करने की घोषणा आप क्यों कर रहे हो अंग्रेज? इसी बात को लेकर के पूरे विश्व के मुसलमान आक्रोशित हो गए छात्रगण। भारतीय मुसलमान भी आक्रोशित हुए और उन्होंने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। छात्रगण, पूछेगा किस आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था? खिलाफत आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। छात्रगण, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, मुसलमानों के सर्वोच्च धर्म गुरु कौन है? खलीफा। आक्रोशित कौन हो रहे हैं? मुसलमान। आंदोलन किनका है? मुसलमानों का। लेकिन जब भारतीय मुसलमानों ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में दिल्ली में किया और उसकी पहली बैठक की, तो इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? एक हिंदू को, महात्मा गांधी को। छात्रगण सोचिए, यह आंदोलन हमें धर्मनिरपेक्षता का संदेश देता है, यह आंदोलन हमें आपस में मिलजुल करके एकजुट रहने का संदेश देता है, यह आंदोलन हमें बताता है कि नफरत हमें नहीं करनी चाहिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो छात्रगण, आवाज मुसलमानों की, लड़ाई मुसलमानों की, हक मुसलमानों का, खलीफा का पद मुसलमानों का, आंदोलन मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों ने भरोसा किस पर किया? एक हिंदू वैश्य जाति के व्यक्ति पर, और वो थे महात्मा गांधी। छात्रगण, अगर आज ऐसी परिस्थिति देश में आ जाए कि हिंदुओं के हक की लड़ाई मुसलमान लड़े, मुसलमानों के हक की लड़ाई हिंदू लड़े, सिख के हक की लड़ाई ईसाई बंधु लड़े, ईसाई के हक की लड़ाई जैन लड़े, जैन के हक की लड़ाई बौद्ध लड़े, तो क्या इस देश में सांप्रदायिक दंगे होंगे? क्या इस देश में दंगा फसाद होगा? क्या इस देश में लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे? जवाब होगा नहीं। तो छात्रगण, खिलाफत आंदोलन हमें संदेश देता है कि हमें मिल करके एकजुट होकर के रहना चाहिए। छात्रगण, खिलाफत आंदोलन में कट्टरवादी हिंदू नेता स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली के जामा मस्जिद में जाके लाखों मुसलमानों को खिलाफत आंदोलन में संबोधित किया। ये क्या दर्शाता है? हिंदू मुस्लिम एकता। छात्रगण, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने इस आंदोलन के दौरान जो दो प्रसिद्ध समाचार पत्रों के द्वारा आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, अल हिलाल, अल बिलाल, है ना, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रगण, अली बंधुओं का संबंध भी खिलाफत आंदोलन से है। अली बंधुओं में कौन कौन आते हैं? शौकत अली, मोहम्मद अली,
है ना छतगन। अली बंधुओं में कौन कौन आते हैं? शौकत अली, मोहम्मद अली, ये दोनों किस में आते हैं? अली बंधुओं में शामिल होते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा, ये चीज को भी मनन करना होगा, ये चीज को भी स्मरण करना होगा। छतगन दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी, पूछेगा खिलाफत आंदोलन में निम्नलिखित में से किस नेता की हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं थी, है ना छतगन। ऑप्शन देगा आपको नंबर एक महात्मा गांधी, दूसरा देगा हकीम अजमल खान, तीसरा ऑप्शन देगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, और चौथा ऑप्शन दे देगा छतगन आपको जनरल बख्त खान। तो जनरल बख्त खान साहब का कोई इस खिलाफत आंदोलन में कोई लेना देना है छतगन? नहीं है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। छतगन अली बंधुओं में कौन कौन शामिल थे इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। अली बंधुओं में दो व्यक्ति शामिल थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इसे भी आपको छतगन ध्यान रखना होगा। पूछेगा भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में, हिंदू मुसलमानों के बीच शानदार परस्पर संबंध को मधुर बनाने में कौन सा आंदोलन सफल रहा था? तो वह आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। छतगन क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। पूछेगा मुसलमानों के सर्वोच्च धर्म गुरु को क्या कहते थे? खलीफा। खिलाफत आंदोलन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1919 से 1920 तक था। पूछेगा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया था? ऑप्शन में देगा 1917, 1918, 1919, 1920। तो आपको क्या लगाना होगा छात्रगण? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। पूछेगा भारतीय मुसलमानों ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कहां किया था? ऑप्शन में देगा बंबई, दूसरा ऑप्शन देगा अमृतसर, तीसरा ऑप्शन देगा लखनऊ, चौथा ऑप्शन देगा दिल्ली। तो आपको क्या लगाना होगा छात्रगण? आपको लगाना होगा दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। पूछेगा आपसे सवाल अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में दिल्ली में किया गया था, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो छात्रगण आप क्या लगाइएगा? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के प्रथम अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। यह भी बहुत हिट क्वेश्चन है। पूछेगा महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कब चुना गया था? 1919 में। महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कहां चुना गया था? तो दिल्ली में चुना गया था। यह भी आपको ध्यान रखना होगा छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रगण सवाल आएंगे किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था आने वाले 100 वर्षों में भी हिंदू और मुसलमानों के बीच ऐसी शानदार एकता स्थापित करने का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा? छतगन ऑप्शन में देगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन में देगा चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन में देगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन में देगा नमक सत्याग्रह, ऑप्शन में देगा खिलाफत आंदोलन। क्या लगाएंगे छतगन आप? खिलाफत आंदोलन। बहुत सही जवाब आपने दिया है। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि आने वाले 100 वर्षों में भी हिंदू और मुसलमानों के बीच ऐसे शानदार एकता स्थापित करने का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। छतगन जैसे ही महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का प्रथम अध्यक्ष चुना गया वैसे ही वह बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गए, सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गए, प्रसन्नचित हो गए और गदगद हो गए। उन्हें लगा कि मुस्लिम भाइयों ने मुझे सम्मान दिया है, मुस्लिम भाइयों ने मुझ पर विश्वास किया है और इसीलिए उन्होंने यह प्रसिद्ध कथन कहा था। पूछेगा अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो आपको लगाना होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल बिलाग समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो आपको लगाना होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल तो इतनी बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है छात्रगण कि मैं गिनती भूल चुका हूं, ये इतनी बार आ चुका है कि इसको एकदम सुपर डुपर हिट आपको मान के चलना है, ध्यान रखिएगा। छात्रगण पूछेगा अली बंधुओं का संबंध किस आंदोलन से था? नंबर एक असहयोग आंदोलन, नंबर दो मुस्लिम लीग, नंबर तीन खिलाफत आंदोलन, नंबर चार नमक सत्याग्रह। तो आप क्या लगेगा छात्रगण, क्या ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे अली बंधु? नहीं, इनका संबंध था खिलाफत आंदोलन से, ध्यान रखिएगा। पूछेगा छात्रगण खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, निम्नलिखित में से कौन अली बंधुओं में शामिल नहीं था? ऑप्शन में देगा शौकत अली, दूसरा ऑप्शन देगा मोहम्मद अली, तीसरा ऑप्शन देगा सलमान अली, चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगेगा? सलमान अली। क्या सलमान अली इसमें है? आप देख रहे हैं नाम छात्रगण,
शौकत अली और मोहम्मद अली यही हैं अली बंधु जिनका खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका है। छतगन सलमान अली कोई है इसमें? नहीं है। तो अब जब तक छतगन इसको याद नहीं रखेगा तब तक इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे। पूछेगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा ऐसा जन आंदोलन था जिसने हिंदू मुस्लिम एकता में जबरदस्त वृद्धि की थी? तो खिलाफत आंदोलन था छतगन, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। पूछेगा अखिल भारतीय खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो 31 अगस्त 1920 को। छतगन महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को आगे चलकर असहयोग आंदोलन के साथ मर्ज कर दिया, असहयोग आंदोलन में जोड़ दिया और यही खिलाफत आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिचय है जिससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इन पर ध्यान देना होगा, आपको मनन करना होगा और सब कुछ जानना होगा, चाहे अली बंधु हों शौकत अली और मोहम्मद अली, चाहे अल हिलाल और अल बिलाद के संपादक मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब हो, चाहे हकीम अजमल खान साहब हो, चाहे स्वामी सद्धानंद का दिल्ली की जामा मस्जिद में मुस्लिम भाइयों को संबोधित करने की घटना हो खिलाफत आंदोलन में, चाहे महात्मा गांधी द्वारा यह कहना कि आने वाले 100 वर्षों में भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ऐसी शानदार एकता स्थापित करने का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, ये सारे चीजों को छतगन आपको ध्यान में रखना होगा। चाहे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का प्रथम अध्यक्ष 1919 में दिल्ली में महात्मा गांधी को बनाया जाना हो, ये सारी घटनाओं को छतगन दिमाग में फेविक्विक से चिपका लें और एकदम तरोताजा बने रहें ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं खिलाफत आंदोलन से तो कहीं भी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। छतगन पैनी निगाहें आपकी, मैं चाहता हूं एक एक चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। अगले टॉपिक की ओर छतगन हम लोग आ रहे हैं, हेडिंग बनाइएगा असहयोग आंदोलन, है ना, आपके नोट्स कॉपी में छतगन हेडिंग बनेगी असहयोग आंदोलन। कार्यकाल लिखेंगे छतगन 1920 से 1922। छतगन असहयोग आंदोलन हेडिंग बनाइएगा अपने नोट्स कॉपी में, असहयोग आंदोलन कार्यकाल लिखेंगे 1920 से 1922 क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे कार्यकाल से। खिलाफत आंदोलन का भी कार्यकाल आपने लिखा था 1919 से 1920, है ना, ध्यान दीजिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लिखेंगे छतगन असहयोग आंदोलन में, हाँ लिखे तीर का निशान। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। हाँ, तीर का निशान छतगन कंप्लीट हो गया लाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 2 प्रसिद्ध कथन कहे थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 2 प्रसिद्ध कथन कहे थे। नंबर 1, 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज। नंबर 2, हिंदू मुसलमान की जय, हिंदू मुसलमान की जय। हाँ, लिख लिया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट तीर का निशान, असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले, असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति मोहम्मद अली थे। यही मोहम्मद अली छतगन, अली बंधु, इतिहास अपने आप को दोहराता है। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति मोहम्मद अली थे। इनवाइट कमांड लाइन में रखिएगा छतगन। हाँ, नेक्स्ट तीर का निशान, असहयोग आंदोलन
आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार संपूर्ण भारतवर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे मजबूत व्यक्तित्व के रूप में छवि उभर कर सामने आई थी नेक्स्ट, अब हेडिंग बनेगा छतगण आंदोलन की गतिविधियां। यह परिचय था जो हम लोग पढ़ रहे थे, अब हेडिंग आपके बनेगी आंदोलन की गतिविधियां, है ना? हाँ, बहुत अच्छा, आपने हेडिंग बना लिया। अब इसको समझे छतगण, परिचय को समझे, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा। छतगण, असहयोग आंदोलन जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है छात्रगण, असहयोग। मैं ब्रिटिश सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करूंगा। गांधी जी ने इस आंदोलन का मूल मंत्र दिया था कि अंग्रेजी सरकार के साथ मैं किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करूंगा, असहयोग की भावना रखूंगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने चलाया था छात्रगण, इसे ही असहयोग आंदोलन कहा जाता है। छात्रगण, असहयोग आंदोलन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1920 से 1922 तक। बहुत हिट क्वेश्चन है, पूछेगा असहयोग आंदोलन का कार्यकाल कब से कब तक था, ऑप्शन मिलेगा 1920 से 1921 1920 से 1922 1922 से 1924। क्या लगाइएगा छात्रगण? नंबर तीन को रंग देना है, 1920 से 1922 तक था असहयोग आंदोलन का कार्यकाल। छात्रगण पूछेगा किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज, एक वर्ष में आजादी का नारा दिया था? छतगण, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक वर्ष में स्वराज, एक वर्ष में आजादी का नारा दिया था। इसे भी छतगण आपको याद रखना होगा, एक वर्ष में स्वराज, एक वर्ष में आजादी का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? असहयोग आंदोलन में दिया था। गौर करेंगे, पूछेगा किस आंदोलन में गांधी जी ने यह नारा दिया था, है ना, हिंदू मुसलमान की जय, है ना? छतगण, यह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था हिंदू मुसलमान की जय। इस पर भी आपको पैनी निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा। छतगण, सवाल क्या आएंगे गौर कीजिएगा, पूछेगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किस तिथि को की थी? ऑप्शन देगा 1 अगस्त 2 अगस्त 3 अगस्त 5 अगस्त, है ना? तो आपको लगाना होगा 1 अगस्त। किस महत्वपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के मृत्यु के दिन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? छतगण, वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र के महान व्यक्तित्व बाल गंगाधर तिलक। छतगण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई और गांधी जी ने उसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। बाल गंगाधर तिलक जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को कर दी थी। ध्यान देंगे छतगण। छतगण पूछेगा असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
छतगन मोहम्मद अली साहब थे, ध्यान रखिएगा। छतगन खिलाफत आंदोलन में जिस प्रकार से गांधी जी ने मुसलमानों के प्रति निष्ठा दिखाते हुए शानदार आंदोलन का नेतृत्व किया, उसी प्रकार से असहयोग आंदोलन में भी मुसलमानों ने कहा कि गांधी जी आपने हमारे आंदोलन में हमारा इतना जबरदस्त साथ दिया है, तो आप भी जब आंदोलन इस देश के लिए शुरू कीजिएगा तो हम भी निष्ठा में कम नहीं हैं, हम भी समर्पण में कम नहीं हैं, हम भी आपका साथ देंगे। और छतगन गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद अली थे। बहुत ही हिट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मोहम्मद अली थे। छतगन एक और बहुत ही हिट क्वेश्चन से मैं आपका परिचय करवा रहा हूं। पूछेगा, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार संपूर्ण भारतवर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किस आंदोलन में किया था? छतगन, यह सब जवाब होगा असहयोग आंदोलन। क्यों? छतगन, सत्याग्रह शब्द एक, सवाल अनेक। ध्यान दीजिएगा, सत्याग्रह शब्द तो एक है लेकिन सवाल इससे अनेक पूछे जाते हैं, इसलिए आपको शिकारी के जाल में फंसना नहीं है, अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसना नहीं है। छतगन, आपको सही जवाब देना है और अपने आप को हिट बना देना है। छतगन, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। छतगन, तीन चीजों से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं, परिचित करा रहा हूं, इसे संजीवनी बूटी मान करके आप ग्रहण करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद और आकांक्षा करता हूं। छतगन, पूछेगा सवाल आपसे, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? राम इज ए गुड बाई टाइप आपको लगाना है, दक्षिण अफ्रीका में किया था, जो मैं आपको बता चुका हूं। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? तो चंपारण सत्याग्रह, जो भी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। लेकिन जब पूछेगा छतगन, संपूर्ण भारतवर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग गांधी जी ने किस आंदोलन में किया था, तब आपका जवाब पलट जाएगा। छतगन, आपका जवाब बिल्कुल अलग हो जाएगा, यह हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऐसा क्यों होगा छतगन? चंपारण सत्याग्रह केवल एक क्षेत्र विशेष में, बिहार के मोतिहारी के एक क्षेत्र में गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, है ना, इसलिए चंपारण सत्याग्रह केवल बिहार के चंपारण तक सीमित था। लेकिन असहयोग आंदोलन छतगन पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, चारों ओर फैल गया था। इसलिए छतगन, भारत में पहली बार संपूर्ण भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग गांधी जी ने किस आंदोलन में किया था? तो असहयोग आंदोलन में किया था। इसे भी छतगन आपको याद रखना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों पर पैनी निगाह रखनी होगी। छतगन, एक एक चीजों को ध्यान रखना होगा। तो छतगन, ये है आपके समक्ष असहयोग आंदोलन का परिचय, जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। छतगन, पुनः मैं एक बार दोहरा दूं आपको कि क्या क्या चीजों को आप याद रखें। जिस प्रकार हंस मोतियों को चुन लेता है और बाकी पत्थरों को किनारे कर देता है, उसी प्रकार से आपको क्या क्या याद रखना है, गौर कीजिएगा। छतगन, असहयोग आंदोलन का कार्यकाल याद रखिएगा, 1920 से 1922, है ना छतगन, याद रहेगा ना आपको, वेरी गुड। दूसरा आपको याद रखना होगा, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा जो प्रसिद्ध कथन कहे गए थे उसे भी ध्यान रखना होगा। इन्होंने क्या क्या कहा था छतगन? एक वर्ष में स्वराज, एक वर्ष में मैं आजादी दिला दूंगा, भारत वर्ष को चैलेंज कर दिया था अंग्रेजों को, है ना। और दूसरा कहा था हिंदू मुसलमान की जय, ये भी कथन गांधी जी ने इसी आंदोलन में कहा था। दोनों कथनों को याद रखना है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु के दिन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो असहयोग आंदोलन की। कब की थी छतगन? 1 अगस्त 1920 को की थी। इस पर भी आपके पैनी निगाहें मैं चाहता हूं, इसको भी ध्यान देना है, इसको भी मनन करना है, इसको भी याद रखना है छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन, फिर आपसे पूछेगा इसी क्रम में, उसको भी आपको ध्यान देना होगा, उसको भी याद रखना होगा। पूछेगा, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किस आंदोलन में किया था? संपूर्ण भारतवर्ष में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किस आंदोलन में किया था? तो आपको लगाना होगा असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद अली थे, जो कि पहली गिरफ्तारी दिए थे। ये सारे चीजों को छतगन परिचय में आपको याद रखना होगा, ये सारी चीजें बहुत ही बेसकीमती है। छतगन, अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया, और मैं आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन के दौरान
महात्मा गांधी का व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली बन गया था, इतना विशाल वटवृक्ष की तरह वो नजर आ रहे थे, पूरे भारतवर्ष में गांधी जी का डंका बजने लगा था और पूरे भारतीय जनता गांधी जी के जय जयकार करने लगी थी। तो छात्रगण, गांधी जी की पूरी छवि एक मजबूत छवि बनकर उभरी है असहयोग आंदोलन के दौरान ही। छात्रगण, इस आंदोलन में क्या क्या गतिविधियां हुई, इस आंदोलन में क्या ऐसा हुआ जिसने गांधी जी जैसे शख्सियत को, जो कि इतनी मजबूत छवि बनकर उभर रहे थे, उन्होंने इस आंदोलन में जो है क्या किया, वापस ले लिया। छात्रगण, आंदोलन को ही वापस ले लिया। आंदोलन जब अपने चरमोत्कर्ष पर था तो उसे वापस ले लिया गया चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। छात्रगण, आंदोलन की गतिविधियां क्या थी, चौरी चौरा हत्याकांड क्या था, क्यों हुआ था और इससे भी जुड़े हुए अन्य कई रोचक तथ्य हैं जो आपको आनंद तो देंगे ही, आपको इतिहास के प्रति रोचकता भी जागृत करेंगे। ये हम लोग जानेंगे छात्रगण अगली कक्षाओं में, जहां पे हम लोगों का मुख्य विषय होगा असहयोग आंदोलन की गतिविधियां और चौरी चौरा हत्याकांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है छात्रगण, और प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको ये निश्चित तौर पर चौरी चौरा हत्याकांड से क्वेश्चन आते हैं, असहयोग आंदोलन की गतिविधियों से क्वेश्चन आते हैं। इस पर पैनी निगाहें आपको रखनी होगी छात्रगण। पुनः आप लोगों से इसी सकारात्मक ऊर्जा, इसी उत्साह, इसी जज्बे और जुनून के साथ इतिहास विषय को एक मनोरंजक आधार देते हुए हम लोग मुलाकात करेंगे अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों।